इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप ओवर द एयर्स काफी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड रहा है। अगर लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो इस रिलेशनशिप में हमें हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और टेरिटोरियल एस्पेक्ट सब एक साथ देखने को मिले हैं। कितने ही लीगल फ्रेमवर्क्स के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिप्लोमेटिक लैंडस्केप्स में चैलेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। ये सिलसिला पार्टीशन के वक्त रेडक्लिफ लाइन एग्रीमेंट से नेशन की बाउंड्रीज को डीमार्केट करने से शुरू हुआ था। उसके बाद कश्मीर डिस्प्यूट, 1960 की वाटर ट्रीटी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ह्यूमन राइट वायलेशंस और इंटरनेशनल लॉ के ब्रीचेस एक्सेट्रा तक कंटिन्यूड है। पर क्या आप जानते हैं कि दोनों देशों में जो चीज कॉमन है वो है इनकी सुप्रीम कोर्ट्स। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया आर द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। जहां एक और दोनों ही कोर्ट्स अपने देश में एपेक्स कोर्ट होने की कॉमनैलिटी को शेयर करते हैं, इनके ज्यूरिडिक्शंस, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में काफी डिफरेंस है ड्यू टू द इंडिपेंडेंट लीगल सिस्टम्स ऑफ ईच नेशन। इंडिपेंडेंस और सॉवरनिटी के मामले में दोनों ही कोर्ट्स अपने देश में ये स्टेटस एंजॉय करते हैं। उनके डिसीजन उनके ज्यूरिडिक्शन पर बाइंडिंग होते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमता है, वहीं इंडियन सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां तक कि दोनों कोर्ट्स में जस्टिसेस को अपॉइंट करने का प्रोसेस और क्राइटेरिया भी एक दूसरे से काफी अलग है। दोनों एपेक्स कोर्ट्स की हियरिंग्स और प्रोसीडिंग्स अपने अपने देश के यूनिक हिस्ट्री और सिचुएशन पे बेस्ड लीगल प्रेसिडेंट के ऊपर डिफाइन करती है। दोनों कोर्ट्स का इंटरेक्शन इंटरनेशनल लीगल फोरम्स और डिप्लोमेटिक रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही देखने को मिलता है, रेदर देन द डायरेक्ट लीगल कोलैबोरेशंस। पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि जिसको सुन के आप एक इंडियन होने पर बहुत प्राउड फील करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इंडिया के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अदीश सी अग्रवाल को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने इंडिया विजिट करने की इच्छा जाहिर की है और कहा है कि वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए इनिशिएटिव से सीखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की लीडरशिप के अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव स्कीम्स और प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट किया है, जैसे कि ई फाइलिंग, मेकिंग अवेलेबल जजमेंट्स इन लोकल लैंग्वेजेस, डेवलपमेंट ऑफ ई कोर्ट्स एंड वेरियस वेलफेयर स्कीम्स फॉर लॉयर्स। इन्हीं सारे इनिशिएटिव्स को हेल करते हुए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की काफी तारीफ की है। साथ ही पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये भी एक्सप्रेस किया है कि लीगल कम्युनिटीज की इंटरेक्शंस दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशनशिप को सुधारने में कंट्रीब्यूट करेंगी। उन्होंने सजेस्ट किया कि उनके लॉयर्स इंडिया विजिट करना चाहेंगे और इन इनिशिएटिव्स को फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व करना चाहेंगे ताकि इनकी इम्प्लीमेंटेशन को बेटर समझ पाएं। आप जानकर हैरान होंगे कि बस इतना ही नहीं, पाकिस्तान बार ने अपने इस लेटर में इंडियन जुडिशरी के इनिशिएटिव्स पर बहुत ही डिटेल्ड एडमायरेशंस एक्सप्रेस की है और ये भी शेयर किया है कि ऐसे ही कुछ सिमिलर इनोवेशंस उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि वीडियो लिंक फैसिलिटीज, इनेबलिंग रिमोट कोर्ट प्रोसीडिंग्स, पॉज लिस्ट मेड अवेलेबल ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट, फैसिलिटेटिंग इजी एक्सेस फॉर एडवोकेट्स अलॉन्ग विद न्यूमरस अदर मेजर्स एम्ड एट एनहांसिंग ईज ऑफ एक्सेस फॉर लॉयर्स। दोनों ही देशों की लीगल फील्ड में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की प्रोग्रेस को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हुए पाकिस्तान बार ने सिर्फ इंडिया विजिट करने की अपने डिजायर ही एक्सप्रेस नहीं की, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मेंबर्स को भी इनवाइट करने को कहा है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कोई इनविटेशन इंडिया को रिसीव हुआ है। चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन अदीश सी अग्रवाल ने बताया कि 13 सितंबर को पाकिस्तान बार काउंसिल ने इंडिया से मेन और वुमेन लॉयर्स की क्रिकेट टीम्स को इनवाइट किया था इन अक्टूबर फॉर फ्रेंडली मैचेस व्हिच वुड बी फॉलोड बाय मैचेस इन इंडिया। हसन राजा पाशा, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, सेंट एन इनविटेशन लेटर टू अग्रवाल स्टेटिंग द इनिशिएटिव वाज बीइंग टेकन टू एनहांस द हार्मनी एंड कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन लॉयर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। The proposal involved men's and women's cricket matches to be played in Karachi and Rawalpindi in Pakistan. Invitation पर अपनी राय देते हुए अदीश ने कहा है कि ये एक अच्छी स्टार्ट है और इससे दोनों देशों के बीच हार्मनी बढ़ेगी। रिलेशनशिप तो इम्प्रूव होगा ही, साथ ही लॉयर्स को एक दूसरे की कंट्री विजिट करने पर एक्सपीरियंस भी गेन होगा, प्रमोटिंग ब्रदरहुड बिटवीन बोथ द कंट्रीज। इस पूरी बात का कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान बार एसोसिएशन का इंडियन सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट करना
सिग्निफाई करता है दैट रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव रोल टेक्नोलॉजी कैन प्ले इन मॉडर्नाइजिंग जुडिशियल प्रोसेसेस, जिसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हमेशा से बोलते आए हैं। इससे साफ दिखता है कि उनके विजन सही मायनों में इंडियन लीगल जुडिशरी में मेजर बदलाव ला सकता है। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज़।